जय श्री गणेशाय नमः। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी दिन कैसा रहेगा, सारी बातें करेंगे, क्या कुछ होगा आपके साथ आज के दिन पर। लेकिन उससे पहले आज आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत ही खास है। आज है माघ अमावस्या। जी हाँ, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहने की मान्यता है। क्यों है, क्या है मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या, आगे बताऊंगी। लेकिन जिन लोगों का आज कोई खास दिन है, बर्थडे एनिवर्सरी है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है। अब जैसा मैंने कहा कि आज है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विधान है। जी हाँ, मौनी ये मुनि शब्द से आया है। और मुनि जो है वो उनके जो आज के दिन जो लोग मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको मुनि की तरह बन जाते हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है या वो शांत रहते हैं तो उनकी सोच जो है अलग चेंज हो जाती है। अमावस्या का दिन है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते और हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों की मन में बेचैनी रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, कि ताकि कोई कटु शब्द ना निकले, कोई गलत वर्ड्स ना निकल जाए आपके मुंह से, किसी को आप हर्ट ना कर दें। तो मौन रहने का विधान बताया गया है। और साथ ही साथ आज के दिन जो है पवित्र जलाशयों में, जैसे गंगा में या कोई नदी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। आज माघ अमावस्या जो है माघ महीने का सबसे शुभ दिन बताया गया है। तो आज के दिन डोनेट ज़रूर कीजिए, दान ज़रूर कीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप आज मौन रहेंगे आप उतना ही अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को चेंज होते हुए आप देखेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे अच्छे बदलाव आपके जो है जीवन में आएंगे। अगर ज़्यादा मौन नहीं रह पाते, लोग मौन रह के व्रत रखते हैं आज के दिन, लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करें कि किसी को गलत ना बोलें। जी हाँ, किसी को आप हर्ट ना करें, किसी से गुस्से में बात ना करें, किसी को गुस्से में कटु वचन ना बोलें, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। बाकी डोनेट ज़रूर करें। आज अमावस्या तो पितरों के नाम से ही होता है, उनके नाम से दान तर्पण करते हैं, तो आज के दिन डोनेट करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि वालों के लिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन काम में भी मन लगेगा, साथ ही साथ आज के दिन दोस्तों के साथ या आप रिश्तेदारों के साथ कहीं पे छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। रख रखाव आज ठीक करते हुए नजर आएंगे। नई चीजों की खरीदारी संभव है। सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित आज जरूर नजर आएंगे। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के दिन दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं वह 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि वाले आज के दिन सचेत रहिए। काम की जगह पे कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। साथ ही साथ बिजनेस करते हैं तो यात्रा है आपके योग में। छात्रों के लिए दिन बड़ा शुभ है। आज पार्टनर के साथ या परिवार के साथ आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाएंगे। सेहत आज ठीक है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करनी है आपको कि डोनेट करें, जो भी आपको मन करे दान कीजिए। लकी कलर की बात की जाए वो है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। काम से काम रखेंगे, ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको परेशान करेगी, वो है घर में किसी की सेहत खराब होने वाली है। तो घर वालों का ख्याल रखें, उनके साथ रहें। आपके लिए महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन पक्षियों को दाना डालें या फिर मछलियों को आटे की गोलियां डालें। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं वो है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि, इमोशनल हो सकते हैं काफी, किसी के सामने अपनी जो है बातें सारी आप शेयर करते हुए नजर आएंगे। आज के दिन काम के मामले में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काम की जगह पे आप अच्छा करेंगे, जो काम बहुत टाइम से पेंडिंग था उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। परिवार में किसी तरीके का जश्न या धार्मिक कार्य हो सकते हैं, आज के दिन छोटों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है, आज के दिन कोशिश करें कि आप किसी भी वृद्ध महिला के जो है आशीर्वाद जरूर लीजिए। वृद्ध या विडो यानी विधवा महिला के आशीर्वाद जरूर लीजिए। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए वो है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि वाले अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आज के दिन चोट आदि लगने की भी संभावना है। इस राशि के वो लोग जो कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं आज के दिन, उनको भी बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आज के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डील या बड़े डील में आप हाथ आजमाने जा रहे हैं, वो काम दिन के पूर्वार्ध में कर लीजिए।
सेहत की बात करते हैं तो सेहत आज के दिन आपकी ठीक रहने वाली है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है आज के दिन? कोशिश करनी है किसी गरीब को एक वक्त का भोजन जरूर कराइए। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज रेड कलर। लकी नंबर की बात करूँ है 5 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वाले निश्चिंत होकर आज अपने जीवन को जिएंगे। आज के दिन मौज मस्ती करने के लिए आप दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की बात मन ही मन कुंठित करती रहेगी आपको। पार्टनर से जुड़ी हुई या परिवार से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपके दिमाग पर हावी हो सकती है, कोशिश करें उन परेशानियों को सुलझाने की। आज के दिन किसी से बहसबाजी में मत फंसिएगा। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज कोशिश करनी है कि आज के दिन शिवजी की उपासना जरूर करें। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए वो है येलो। लकी नंबर की बात करूँ 5 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि, तुला राशि वाले सेहत का ख्याल रखिएगा, बदलते मौसम की मार पड़ सकती है। आज के दिन भागदौड़ बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आज के दिन जो है हो सकता है किसी काम से आपको अपने घर परिवार से थोड़ी दिन के लिए दूर जाना पड़े। इस राशि की महिलाओं के लिए आज एक विशेष सावधानी, किसी भी इंसान से घर में कटु वचन बोलने से बचना है, नहीं तो बात का बतंगड़ बन सकता है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? विष्णु जी की आराधना करें। लकी कलर ऑरेंज। लकी नंबर की बात करूँ है 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले अपने आप में आज खोए खोए से नजर आएंगे। ज़्यादा लोगों से आपको मतलब नहीं रहेगा, खुद में ही आप रहेंगे। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में आज हो सकता है किसी तरीके का लांछन या ब्लेम कोई आप पे घर में लगाए, तो कोशिश करनी है कि चीज़ों को बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही आराम से आप आराम शब्दों के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे आप स्टेप लेकर उनको सॉल्व कीजिए। यानी ज़रूरी कि जल्दबाजी में आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए कुछ भी आप करें, टाइम लगता है चीज़ें जो है ठीक होने में। तो अगर आज के दिन ऐसा लगता है कि ये चीज़ आज ठीक नहीं होगी, छोड़ दीजिए, शांत रहिए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी से लेन देन करने वाले हैं उसके लिए दिन शुभ है आज। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं क्या करना है? ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप करें। लकी कलर आज ब्लू है। लकी नंबर की बात करूँ है 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि, धनुराशि वाले आज के दिन अपने काम से जुड़ी यात्रा पर जाएंगे। काम से जुड़ा हुआ लाभ भी मिलेगा, पैसा बढ़ सकता है, या फिर जिस पेंडिंग चीज़ को आप कंप्लीट करने वाले, जो पेंडिंग चीज़ थी, जिस काम को कंप्लीट करने वाले थे, वो ज़रूर हो जाएगा। पार्टनर के साथ या परिवार के साथ आप खुश रहेंगे। आज के दिन सेहत की बात करें तो सिर से जुड़ी समस्याएं आएंगी। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज के दिन कोशिश करनी है कि आप अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी ज़रूर मिलाइए। लकी कलर की बात करें ऑरेंज। लकी नंबर की बात करूँ है 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। काम से जुड़े लाभ मिलेंगे, बिजनेस में नई डील हो सकती है, महिलाओं से विशेष सहयोग मिलने वाला है, परिवार में आज कोई अतिथि सत्कार हो सकता है, साथ ही साथ आज के दिन इस राशि की महिलाओं को कोई उपहार मिल सकता है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? आज के दिन कोशिश करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। लकी कलर आपके लिए आज है डार्क ग्रीन। लकी नंबर की बात करूँ है 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज के दिन चर्चा का विषय बनने वाले हैं। आज के दिन आपके काम की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से आप हर जगह छाए रहेंगे। आपकी जो शैतानियां नादानियां हैं वो लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। फैमिली की बात की जाए तो आज के दिन फैमिली में हो सकता है किसी और की परेशानी आपको आज थोड़े देर के लिए टेंशन में डाल दे, तो लोगों की परेशानी सुलझाने की जो आपकी अच्छी आदत है कुंभ राशि वालों की, वो आज आपके काम आने वाली है। साथ ही साथ सेहत की बात करें तो बॉडी के लोअर पार्ट में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? आज के दिन कोशिश करें कि आप दान करें। लकी कलर की बात करें वो है आपके लिए आज ब्लू। लकी नंबर की बात करूं वो है 3 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि, मीन राशि वाले आज सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत ठीक नहीं रहेगी। साथ ही साथ आज के दिन पार्टनर के साथ भी थोड़ी समझदारी से चलने की ज़रूरत है। पार्टनर की मनमानी या पार्टनर का कोई व्यवहार जो है आज आपको जो है थोड़ी देर के लिए परेशानी में डाल सकता है। पैसे से जुड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन आज हो सकता है। आज कोशिश करनी है कि महिलाओं के साथ अच्छा संबंध रखें। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं क्या करना है? कोशिश करें कि आज माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। लकी कलर की बात करें वो है रेड। लकी नंबर की बात करूँ है 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके दिन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो जाने से पहले, आज जैसा कहा कि मौनी अमावस्या है, तो आज के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। और आज के दिन मौन रहना चाहिए। मौन मतलब
चुप रहना चाहिए, कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को जाके सॉरी ज़रूर बोलेगा जिनका आपने दिल दुखाया है।